साल के लगभग एक शख्स मेरे पास आया और रोने लग पड़ा, मुझे चिपट गया। मैंने कहा क्या बात है? कहता है जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया, मुझे ब्लड कैंसर हो गया। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? कहता मैं लाहौर में होता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? कहता फैसलाबाद का। मैं एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं बताऊँगा ताकि किसी का सीक्रेट होता है। मैंने कहा कब से अपने गांव नहीं गए? कहने लगा 20 साल से। मैंने कहा वहाँ कोई रिश्तेदारी है या सब लोग गांव छोड़ गए? कहने लगा मेरे नानके दादके सब वहाँ हैं, मामू भी हैं, फूफिए भी हैं, चचा भी हैं, और भी रिश्तेदार हैं। मैंने कहा उनके हालात क्या है? कहते कमज़ोर हैं। मैंने कहा तू इंतहाई अमीर है इस वक्त। मैंने कहा तुझे 20 साल हो गए गए हुए, अब तूने 20 दिन उस गांव में रहना है जाके, तूने 20 दिन उस गांव में रहना है। किसी को भैंस ले देनी है, किसी को बैल ले देना है, किसी का हल ठीक करा देना है, किसी की छत ठीक करा देनी है, किसी के खेत में पाइप डलवा देना है या कोई ऐसा जिससे पानी उसको मिल जाए। तूने सेवा करनी है अपने रिश्तेदारों की, उनकी खिदमत करनी है तूने, उसके बाद तूने मेरे पास वापस आना है। वो शख्स ने मेरी बात पूरी मानी और अपने गांव चला गया। 20 दिन में उसने सब की खूब खिदमत की, घुल मिल गया उनमें। ये जहन से निकल गई बात कि मैं इतना अमीर आदमी हूँ और ये बड़े कमज़ोर लोग हैं, उसी का खून, उसी के रिश्तेदार। वो जो एग्जोम इंसान के अंदर पैदा हो जाता है ना, किसी ज़्यादा इलम की वजह से या हैसियत की वजह से, माली पोजिशन की वजह से। 30 दिन के बाद आया, मैंने कहा जा सारे टेस्ट करवा के मेरे पास आ। जब आया तो मेरे पांव पकड़ लिए, रोना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहता है अल्लाह ने तमाम बीमारियों को रफा कर दिया। ये खुदा गवाह करके मैं आपको बात बता रहा हूँ, अल्लाह गवाह है इस बात के लिए। मैंने नाम नहीं उसका आपको जिक्र किया, मेरे अपने आंसू निकल आए। इस बात से आप सिला रहमियत की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप सिला रहमी के तरीके को पकड़ लेंगे, अपना लेंगे, तो कैसी कैसी मूजी अमराज से आपकी निजात मिल जाएगी, आपको आपकी जान छूट जाएगी। कितना डिप्रेशन है मुआशरे में, लोगों को नींद नहीं आती, रातों को उठ उठ के बैठते हैं, बेचैन रहते हैं, ट्रंकलाइजर खाते हैं, एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ खा रहे हैं। बखुदा अगर इखलास और मोहब्बत से अपने गरीब रिश्तेदारों को मिलना शुरू कर दें, कमज़ोर रिश्तेदारों को मिलना शुरू कर दें, कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। करके देखें, करना शर्त है। क्यों? ये मेरे आका फरमा रहे हैं कि तू कुशायदा रिज़्क चाहे, लंबी उम्र चाहे, तो सिला रहमी को अपना। तो आदमी दो ही चीज़ें तो दुनिया में चाह रहा है, और मरने तक ये दुआएं करता रहेगा कि या अल्लाह मेरे रिज़्क में कुशादगी कर, मेरी उम्र में बरकत दे। ये दोनों चीज़ों की निशानदेही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी के रेफरेंस से आपको पहुंचा दी। और फिर भी अगर